नमस्कार दर्शक मित्रों, हार्दिक स्वागत है आपका एसीपीसी एडमिशन प्रोसेस 2020 के भाग 7 में। दर्शक मित्रों, आज हम देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो कैसे करना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि जो प्रोसेस है आपकी वो दो फेज में होने वाली है। पहले फेज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरे फेज में चॉइस फिलिंग होगी। तो जो रजिस्ट्रेशन है ये बताया जा रहा है कि लगभग 9 या 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से समझेंगे। कुछ विद्यार्थी मित्रों का ये प्रश्न आ रहा है कि क्या रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही आप एसीपीसी की एडमिशन प्रोसेस में भाग ले पाएंगे और तभी आपका मेरिट रैंक आएगा और उस मेरिट रैंक के आधार पर ही आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। अगर आप एडमिशन प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका मेरिट रैंक नहीं बनेगा और बाद में आपको वीक्यू या एमक्यू की सीट से संतोष करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है जो आपको एसीपीसी मेरिट रैंक के आधार पर मिलती है। यदि आपका मेरिट रैंक 1 से 15 हजार के बीच में है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, यानी आपके 4 साल की पूरी पढ़ाई की जो फीस है वह माफ हो सकती है। यदि आपका मेरिट रैंक 15,000 से 20,000 के बीच में है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल सकती है, और यदि आपका मेरिट रैंक 20 से 25,000 के बीच में है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस स्कॉलरशिप की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्कॉलरशिप आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कैसे होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आइए दर्शक मित्रों, हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और वहां पर आपको टाइप करना है ACPC। इंटर करते हैं और जैसे ही आप इंटर करते हैं यहां पर gujacpc.nic.in ये खुलेगा, इसको अपने को ओपन करना है। तो ये वो वेबसाइट है मित्रों जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस ऑरेंज बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी जो वेबसाइट है पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, तो मैं कुछ इमेजेस के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस बताता हूं। तो दर्शक मित्रों, जब वेबसाइट पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो जो पेज ओपन होगा गुज एसीपीसी में वह कुछ इस तरह का होगा, ये देखिए। और सबसे पहले आइए हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर लिखा है दर्शक मित्रों कि आप खुद जिम्मेदार होंगे अपने पासवर्ड के लिए, इसलिए आपको खुद ही अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरी बात यहां पर लिखी हुई है कि जब भी आप एडमिशन की प्रोसेस को पूरा करें तब लॉग आउट जरूर करें और जितनी भी विंडो है सबको क्लोज कर दें। तीसरी बार ये लिखा हुआ है कि आप बार बार अपना पासवर्ड चेंज करते रहें। और जो चौथी बात लिखी हुई है वह यह लिखी हुई है कि यदि आपको कोई मेल आता है, मैसेज आता है, फोन कॉल आता है, उस पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास आपका लॉगिन आईडी अगर पहुंच जाता है तो उस केस में वो उसका मिसयूज कर सकता है और आपका प्रेफरेंस चेंज कर सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वह कागज पर लिख कर रखते हैं, तो यह भी एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर वो कागज किसी के पास चला जाएगा तो वो आपका प्रेफरेंस चेंज कर सकता है। कई लोग जब साइबर स्पेस सेंटर जाते हैं या फिर किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देते हैं, ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। इससे भी कोई भी व्यक्ति आपका प्रेफरेंस चेंज कर सकता है, तो खास इसका ध्यान रखना है दर्शक मित्रों कि अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं देना है। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन हमको करना है। तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको क्लिक करना रहेगा। यदि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एक लिस्ट निकलेगी जो साइबर स्पेस सेंटर की लिस्ट होगी। पिछली बार साइबर स्पेस सेंटर को हेल्थ सेंटर कहा जाता था, लेकिन इस बार जो है उसको साइबर स्पेस सेंटर कहा जाएगा। पिछली बार तक क्या होता था कि डॉक्यूमेंट जो है वह वेरीफाई होते थे हेल्थ सेंटर पे, अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं हेल्थ सेंटर पे, आपको खुद ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहां पर आप
न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और इस तरह से नई विंडो ओपन होगी। दर्शक मित्रों, जैसे ही आप ऑरेंज बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये वाली विंडो मिलेगी। इस विंडो में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। इसमें आपका सरनेम पहले आएगा, फिर आपका नाम और फिर पिताजी का नाम। यहाँ पर आपको ISD कोड जो इंडिया का 91 है वो दिया हुआ है और यहाँ पे आपको लिखना है अपना मोबाइल नंबर। दर्शक मित्रों, पूरी प्रोसेस में जो आपका मोबाइल नंबर है वो सेम रहेगा। ACPC के थ्रू आपको जो कम्युनिकेशन होगा वह भी इसी मोबाइल नंबर पे होगा, तो ये आपको मोबाइल पूरी प्रोसेस के दौरान कभी भी बंद नहीं होना चाहिए या इसमें सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसा ही मोबाइल नंबर देना है जो हमेशा चालू रहे, ताकि कोई भी ACPC की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए तो आप रिस्पॉन्स दे सको। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भी देना है और खास दर्शक मित्रों ये ध्यान रखिएगा, आपका ईमेल आईडी आपको सही लिखना है और जितने भी आपके मैसेजेस आएंगे, मेल्स आएंगे, ईमेल आईडी पर ही आएंगे, तो आपको अपना ईमेल आईडी फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है। उसके बाद दर्शक मित्रों, यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप देना चाहें वो दे सकते हैं। बहुत आसान पासवर्ड जैसे 123456 ऐसा पासवर्ड नहीं रखना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखना है, लेकिन आपको याद रखना है। दोबारा यहाँ पर टाइप करके आप अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर लिखना है और ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपको नई विंडो दिखेगी और यहाँ पर लिखा है डू यू विश टू फाइनल सबमिट। तो यहाँ पर यदि सब कुछ आपको ठीक लग रहा है तो आपको यस करना है और जैसे ही आप यस प्रेस करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना है और इस विंडो में आपको देखना है कि आपका नाम बराबर लिखा हुआ है, आपका मोबाइल सही लिखा हुआ है, क्या आपका ईमेल आईडी सही लिखा हुआ है और जो आपका पासवर्ड है वह ठीक ठाक लिखा हुआ है। यदि आपको ठीक ठाक लगे तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। यदि आपको कुछ गलती दिखे तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे तो दोबारा आप पिछली विंडो पर चले जाओगे। यदि सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट प्रेस करोगे और इस तरह से आप अगली विंडो पर चले जाओगे। इसके बाद दर्शक मित्रों, आपको ऐसी विंडो दिखेगी। अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा, जो वन टाइम पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने इसमें एंटर किया है वह। ध्यान ये रखना है कि आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए, तो आपको वह वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर में नंबर्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और वेरीफाई एंड फाइनल बटन सबमिट पर प्रेस करना है। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसके बाद हम नई विंडो की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दर्शक मित्रों, यह विंडो आपके सामने आएगी और यहाँ पे आपका यूजर आईडी लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन, प्लीज नोट डाउन द यूजर आईडी शोन अबव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ जो बटन दिया गया है ये बटन क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना रहेगा। और इस तरह दर्शक मित्रों, हम फिर से उसी विंडो पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो दर्शक मित्रों, यहां पे लिखा है काउंसलिंग, यहां पे आपको इसको ड्रॉप डाउन करना है और जो भी आपको लागू पड़ता है वो यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लॉगिन आईडी यहां पर लिखना है, जो आपका लॉगिन आईडी आपने रजिस्ट्रेशन में बनाया है। फिर यहां पर पासवर्ड लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे आपका सिक्योरिटी पिन, जो ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है एज इट इज आपको यहां पर लिखना है। बाय चांस आपको ये क्या लिखा है समझ में नहीं आता तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरा यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद आपको करना है साइन इन। यदि कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और वह आपको OTP आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेज देगा और फिर आप अपना पासवर्ड रिन्यू कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर साइन इन करेंगे तो फिर आप अगली विंडो में जाएंगे। दर्शक मित्रों, जैसे ही आप साइन इन करेंगे जो नई विंडो खुलेगी वह कुछ इस तरह की होगी। आपका कौन सा कोर्स है यदि बी बीटेक है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है।
यदि बी फार्मा डी फार्मा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर एम बी एम सी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपका बी बी टेक है तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऐसे ही आप अगली विंडो पे आ जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, अगली स्क्रीन इस तरह से यह खुलेगी और यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। तो आइए हम इसको देखते हैं नजदीक से। सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जेंडर, तो ये जो पॉइंट दे रखा है इससे ड्रॉप डाउन करके आप मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी, तो आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल, वो आपका अगर गुजरात का है तो गुजरात सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सारी कैटेगरीज ओपन हो जाएगी, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एसटी सेलेक्ट किया हुआ है। फिजिकली हैंडीकैप, यदि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो आपको नो चूज करना है। एक्स सर्विसमैन यानी यदि फादर सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उसके केस में यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। ट्यूशन फी वेवर स्कीम में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, यदि आप इंटरेस्टेड नहीं है तो नो करना है। खास ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आपके पास जो भी आप यस कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब यदि हैंडीकैप्ड है तो कितने परसेंट हैंडीकैप्ड है, ये आपको यहाँ पर देना है। उस केस में आपके पास हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम जो है, यहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से 8 लाख के बीच में, या 8 लाख से ज्यादा, ऐसे आपको 3 पॉइंट दिखाई देंगे। तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगता हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास सिटीशिप कार्ड है तो यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है। अब कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। कैटेगरी के लिए आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ट्यूशन फी वेयर स्कीम के लिए आपका जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख पर एनम से कम होना चाहिए, वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। फ्रीशिप कार्ड जो मिलेगा एसटी एससी कैटेगरी की स्टूडेंट्स को, और उनका जो फैमिली इनकम है 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अब आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको अगली विंडो पे ले जाएगा। तो दर्शक मित्रों, अगली विंडो जो है वह आपके सामने यह खुलेगी। इसको थोड़ा सा हम नजदीक से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जब भी आप सेशन छोड़ना चाहें तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम और लॉग इन आई डी दिखेगा आपको। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फिल करना शुरू करना है। तो सबसे पहले आप फोटोग्राफ, यहाँ पर दे रखा है कि 10 KB से लेके 100 KB तक का फोटोग्राफ होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट नंबर में इसमें NA यानी नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि फोटोग्राफ का कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पर चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है, और आपके सिस्टम से जहाँ पर भी आपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हैं वहां से अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है। आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है उसमें आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, SSC का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, जो भी आप दें उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, और वैसे ही चूज फाइल करना है अपने सिस्टम से, और उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद दर्शक मित्रों, आप ऐसी एक विंडो पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी सारी चीजें इनकम्प्लीट है, तो वह आपको कंप्लीट करना है। दर्शक मित्रों, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, और एप्लीकेशन नंबर आप जरूर कहीं ना कहीं लिख कर रख लें, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद दर्शक मित्रों, आप इस विंडो पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर आपको अपने 12th का सारा डिटेल भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है पासिंग स्टेटस, तो अगर आप पास हैं
तो पास लिखिए, यदि रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड लिखिए। यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से जो आपको लागू पड़ता हो वह आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा पासिंग मंथ, जब आपने एग्जाम पास की है, और पासिंग ईयर, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एग्जाम स्टेट, यानी कौन से स्टेट में आपने एग्जाम क्वालिफाई की है, तो यहाँ पे आप गुजरात लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट देना है, तो यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ अहमदाबाद लिखा हुआ है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिख सकते हैं। पासिंग बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने एग्जाम पास की है, वह यहाँ पर आएगा। इसके बाद आपका जो ट्वेल्थ का मार्कशीट है, सीट नंबर या रोल नंबर यहाँ लिखना रहेगा, आईएसडी नंबर आपको मार्कशीट में से मिल जाएगा वही लिखना है, और स्कूल इंडेक्स नंबर भी आपको मार्कशीट में से मिल जाएगा वो यहाँ लिखना है। इसके बाद जो आपका स्कूल का नाम है आपको यहाँ पर लिखना है, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दर्शक मित्रों, उसके बाद हम इस विंडो पर आएंगे और यहाँ पे लिखा है, इफ कैंडिडेट हैज नॉट अप्लाइड फॉर एनी ऑफ द एग्जाम द सिलेक्शन कैन बी कैंसल्ड। तो गुजकेट या जेई मेन दोनों में से एक में आपको एग्जाम जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वह देना जरूरी है। यदि दोनों में से एक भी नहीं देते हैं आप, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने गुजकेट का रोल नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको गुजकेट का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर गुजकेट में जो नाम लिखा हुआ है वो लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर गुजकेट का एसआईडी नंबर आप लिखेंगे। दर्शक मित्रों, इस वर्ष जेई मेन के थ्रू भी सिलेक्शन होगा। हमने हमारे एक वीडियो में, जैसी हमारे पास सूचना थी उसके आधार पर हमने बताया था कि जेई मेन के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अभी जो नए नियम आए हैं उसके हिसाब से जेई मेन के हिसाब से भी सिलेक्शन होगा। 5% सीट्स पर सिलेक्शन होगा, और उसके लिए जो मेरिट रैंक है वो अलग से तैयार होगी। तो यदि आपने दोनों दिए हैं तो यहाँ पर आपको दोनों भरना है, यानी ऊपर आप गुजकेट भर सकते हैं और नीचे जेई मेन भर सकते हैं। यदि सिर्फ जेई मेन दिया है तो सिर्फ जेई मेन भरिए, और यदि आपने सिर्फ गुजकेट दिया है तो सिर्फ गुजकेट भरिए। और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको नई विंडो पर ले जाएगा। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से हम इस विंडो पर पहुंचते हैं। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है, और जो सारे सर्टिफिकेट हैं वो 200 KB से कम होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर लिखने के बाद आपको चूज फाइल करना है, और आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो फाइल है वहाँ से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यदि किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखना है और फाइल यहाँ पर चूज करनी है। ट्वेल्थ की मार्कशीट का नंबर यहाँ पर आएगा, और यहाँ से चूज करके फाइल सेलेक्ट करेंगे। और यदि ट्वेल्थ की मार्कशीट नहीं आई हो तो उस केस में जो हॉल टिकट है वह भी दिया जा सकता है। इनकम सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर उसी तरह से फाइल चूज करना है, और ESM सर्टिफिकेट, जो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आएगा और उसमें भी आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्री शिप कार्ड, उसका नंबर यहाँ आएगा और यहाँ पर चूज फाइल। जो डॉक्यूमेंट किस तरह के होने चाहिए, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इसके बारे में हमने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी बात की है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो खुलेगी, और यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर दिखाई देगा। अब आपको खास ये ध्यान रखना है कि आपने सही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, जो नंबर डॉक्यूमेंट में लिखा है वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। और आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। और इस तरह से एक बार आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने फिर से वेरीफाई करने हैं। जैसा कि मैंने बताया दर्शक मित्रों कि ट्वेल्थ की मार्कशीट यदि आपकी नहीं आई है, इंटरनेट कॉपी भी नहीं आई है, तो उस केस में आपको हॉल टिकट का नंबर देना है और यहाँ पर हॉल टिकट की फाइल जो है वो अपलोड करनी है। इस तरह दर्शक मित्रों स्क्रॉल डाउन करके आप अपने सारे सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, उनके नंबर चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको फाइनल सेव एंड सबमिट पर क्लिक करना है।
एक बात खास ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप उसको बदल नहीं पाएंगे, तो अच्छे से चेक करने के बाद ही आपको सबमिट बटन प्रेस करना है। उसके बाद दर्शक मित्रों हम यहाँ पर पहुँचेंगे और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने इतनी सारी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था, क्वालिफिकेशन डाल दी है हमने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिटेल हमने डाल दी है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमने डाल दी है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं और फाइनल सबमिट भी कर दिया है। अब जो बाकी बचता है वो है फी पेमेंट। अब आपको जो क्या करना है, यहाँ पर पे फी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। जो आपको पेमेंट देना है वो ऑनलाइन ही देना है, उसके लिए आप UPI यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं या नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपको तुरंत SMS और ईमेल आ जाएगा और पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो दर्शक मित्रों ये हमने समझा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दर्शक मित्रों हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करनी है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए हम आपके लिए वीडियो की पूरी सीरीज लेके आए हैं जिसमें हमें देखना है कि कॉलेज सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने दिखा रखा है इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि GTU जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वह एग्जाम के आधार पर यह तय करती है कि किस कॉलेज का रैंक कितना है। तो ये वाला वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि गुजरात के कौन से कॉलेज का रैंक कितना है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और दर्शक मित्रों ये जो वीडियो है जिसका थंबनेल यहाँ पर दे रखा है इसमें हमने कॉलेज सिलेक्शन का एक और क्राइटेरिया आपको बता रखा है। ऐसे ही कॉलेज सिलेक्शन संबंधित और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दर्शक मित्रों यदि आपको रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या आ रही है, एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रश्न है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो आप यहाँ दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें आपके प्रश्नों का समाधान करके बहुत खुशी होगी। दर्शक मित्रों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एडमिशन हेल्प करके आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उपयोगी वीडियो और जरूरी जानकारी भेजते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। दर्शक मित्रों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसमें दी गई जानकारी का लाभ उठा सके। तो दर्शक मित्रों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।